हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल की बीमारी से जूझ रही है टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या। उजड़ा चमन से फिल्मों में की है एंट्री। मशहूर टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या सखुजा को शो त्रिदेवियों में आपने देखा था। अब ऐश्वर्या फिल्म उजड़ा चमन से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके दिल में बचपन से छेद है और उनकी आंखों में भी दिक्कत है। बावजूद इन सब के ऐश्वर्या ने फिल्म लाइन में एंट्री की और अपनी मेहनत से वो मुकाम भी हासिल किया जो हर टीवी एक्ट्रेस का सपना होता है। बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा, मैं हमेशा अपने पिता से मजाक करती हूँ कि उन्होंने कैसा डिफेक्टिव बच्चा पैदा किया है। मेरे दिल में जन्म से ही छेद है। फिल्म उजड़ा चमन के ट्रेलर को देखने के बाद ऐश्वर्या की जमकर तारीफें की गई। जब ऐश्वर्या से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कई तरीके की बीमारियों से जूझ रही हूँ, लेकिन मेरी मुसीबतों ने बहुत सी बातों को जीवन में उतार दिया है। ऐश्वर्या अपने इंटरव्यू में आगे कहती है, मैं अपनी बॉडी का बहुत सम्मान करती हूँ। अब काम से ज्यादा प्राथमिकता अपनी हेल्थ और खुशी को देती हूँ। फिल्म उजड़ा चमन शुक्रवार यानी कि आज 1 नवंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में ऐश्वर्या सखुजा के साथ लीड रोल में बॉलीवुड एक्टर सनी सिंह है। इस फिल्म से काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से इस फिल्म का काफी बज बना हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, आज जब ये फिल्म रिलीज हुई है तो दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।